हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। स्वागत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे छोटे से गांव से। मेरे गांव का नाम है क्वालगांव, जो कि देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। अभी सुबह के करीब 8 बज रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है बढ़िया तरीके से। तो आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून की ओर, क्योंकि दीदी आई हुई थी और आज दीदी लोग जा रहे हैं देहरादून, तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए, यहाँ पे है अनाया, तो ये है मेरे भांजी। हाई कर दो ब्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं देहरादून। मौसम की बात करें तो देख सकते हैं एकदम साफ है, बस बादल तो लगे हुए हैं और बाकी पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है अनाया। अनाया हाय कर दे, इधर देख, बाय कर दे, अच्छे से बाय करो। और मेरी ऐसी किस्मत है कि जब भी मैं रेडी होता हूँ कहीं जाने के लिए या कुछ दिन में मेरे को कहीं जाना होता है तो मेरे कहीं ना कहीं पिंपल बन जाते हैं। इस बारी मेरे नाक के ऊपर पिंपल बन गया, तो चलिए ये भी नेचुरल है, कोई नहीं, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग, हम जा रहे हैं देहरादून की ओर और दिखाते हैं आप लोगों को पहाड़ों से शहरों का सफ़र। वहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, तो वो भी आपको अपडेट देते रहेंगे हम कि किस तरीके से माहौल है बीच में। मुझे भी डालना। तो फाइनल दोस्तों निकल गए हैं घर से और मेरे पास ये बैग है पीछे, और पीछे से आ रहे हैं मम्मी लोग, पापा लोग। तो दोस्तों, मम्मी जी थोड़ा इमोशनल हो गई हैं अभी, क्योंकि अनाया जा रही है, अनवी जा रही है और दीदी लोग जा रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ। तो घर से हम लोग आ चुके हैं और अभी मम्मी बहुत इमोशनल हो चुकी है, मतलब मम्मी को बुरा लग रहा है कि हम लोग जा रहे हैं और दीदी भी जा रही है। सबसे बुरा तो तब लग रहा है क्योंकि मम्मी लोगों को आदत हो गई थी अनवी की, अनाया की, तो चलिए दीदी को भी तो जाना ही था क्योंकि बच्चों का स्कूल जो खुल गया है। और देखिए अनाया आगे चल रही है बढ़िया करके नाना जी के साथ। अभी आ गया हूँ मैं मेन रोड के पास और मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ यमुना का प्रभाव, और ये आजकल हो रखी है मटमैली। तो यमुनोत्री धाम में काफ़ी बारिश हो रही होगी, इस वजह से माँ यमुना का जो पानी है वो मटमैला दिखाई दे रहा है, और इसका जो वेग है वो भी काफ़ी तेज़ी से बह रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोग टटाऊ में, देख सकते हैं आप लोग, और मेरा कॉलेज भी टटाऊ में स्थित है, आप देख सकते हैं पीछे। तो ये है हमारा डिग्री कॉलेज जहाँ से मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा हूँ, और अभी मेरे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं अगले महीने से, तो भाई बहुत टेंशन हो रही है। तो चलिए कोई नहीं, जब पेपर होंगे देख लेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यमुनोत्री हाईवे, देख सकते हैं आप लोग, पार पीछे दिख रहा होगा आपको। तो यह है यमुनोत्री हाईवे जो कि यमुनोत्री धाम को जाता है, और अगर आप लोग आजकल यमुनोत्री धाम की यात्रा करना चाहते हैं या पहाड़ों में आना चाहते हैं घूमने के पर्पज़ से, तो देख सकते हैं बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम है और मानसून भी पहाड़ों में आ चुका है। तो आजकल आप लोग अपनी यात्रा को विराम दे सकते हैं और जब मानसून चला जाए तब आप अपनी यात्रा को सुचारू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है जिस वजह से आपको जगह जगह पर लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा और बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए आप लोग अगर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो बरसात के सीज़न में ना आए। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं डामटा में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा जो मार्केट है, ये है डामटा। तो ये देहरादून जाने से पहले एक जगह डामटा पड़ती है और यहाँ पे सभी लोग रुकते हैं और खाना पीना यहीं पे खाते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद आगे को सफ़र करेंगे। गाड़ी से मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रही है नींद, और जो सीट मुझे मिली है तो वो है पीछे वाली, तो वहाँ से ब्लॉग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए मैं अभी उतर के बना रहा हूँ। तो दोस्तों अभी बैठे हम लोग होटल में, और देखिए इमान भाई के साथ, थैंक यू फॉर वाचिंग।
तो भयंकर भूख लग चुकी है, तो फटाफट से कुछ खा पी लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं बढ़िया तरीके से। भाई दोस्तों पहुंच चुके हैं देहरादून में और देख सकते हैं अभी हम लोग बैठे हैं ऑटो पे और भाई साहब इतनी खतरनाक बारिश हो रही है, ये देखो तो फाइनली दोस्तों दीदी लोगों के यहाँ पहुंच गए हैं देहरादून में और भयंकर बारिश हो रही है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अभी तक हो रही है। आज का जो सफ़र था वो बहुत थकान भरा रहा, क्योंकि पूरे रास्ते भर एक तो सीट नहीं मिली अच्छे से और ऊपर से नींद बहुत आ रही थी, तो मैं तो लेटा लेटा आया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगले कुछ दिनों में आपको यहीं देहरादून में दिखने वाला हूँ और यहीं से आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे, तो चलिए उनको भी ज़रूर देखिएगा, देख सकते हैं हम लोग।